जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 26, 27, 28, 29, 30 पर चर्चा करेंगे। न बुद्धि वेदम जनयेद् अजानाम् कर्मासंगिनाम् जोषेत् सर्वकर्माणि विद्वानाम् युक्तः समाचरणम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति को अज्ञानी लोगों के मन और बुद्धि को भ्रमित नहीं करना चाहिए, अर्थात जो लोग अज्ञान में है और अपने अपने कर्मों में लीन है उनके सामने ज्ञान का ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिससे वे भ्रमित हो जाएं और कर्म से विमुख हो जाएं। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने कर्मों के द्वारा अज्ञानियों को सही मार्ग दिखाए ताकि वे भी धीरे धीरे कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त कर सके। ज्ञानी व्यक्ति का बिना अहंकार के कर्म में लगा रहना ताकि वह दूसरों को भी प्रेरित कर सके। प्रकृते हे क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वश अहंकारा विमूढात्मा कर्मात्मा इति मन्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म प्रकृति और अहंकार के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। प्रकृति के गुणों सत्व रजस तमस द्वारा सभी कर्म स्वतः ही होते रहते हैं, लेकिन अहंकार में भ्रमित हुआ व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ही करता हूँ, अर्थात हमें अपने कर्मों का फल का अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति ही यह समझ सकता है कि कर्म के असली कर्ता प्रकृति के गुण हैं। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है व्यक्ति अहंकार को त्याग कर यह समझे कि वह केवल एक साधन है और वास्तविक नियंत्रण प्रकृति के हाथों में है। अब हम प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सत्व गुण, परिवर्ता पवित्रता तथा ज्ञान। सत्व अर्थात अच्छे कर्मों की ओर मोड़ने वाला गुण तीनों गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण है। सात्विक व्यक्ति मेहनती सच्चा और साहसी होता है। दूसरा है रजस क्रिया तथा इच्छा है। राजसिक व्यक्ति स्वयं के लाभ एवं कार्य से सिद्धि हेतु जीता है। जो गुण से फल की इच्छा से कार्य करता है और मन में चंचलता बनी रहती है। तमस अज्ञानता तथा निष्क्रियता। तामसिक मनुष्य दूसरों को अथवा समाज को हानि पहुंचाकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करता है। इसी गुण के कारण व्यक्ति आलस तथा निद्रा से बंद जाता है। तत्वावित महाभाव गुणा कर्मा विभाग गुणा गुणेशु वर्तन इति मतवान सजते। जो वास्तविक सत्य को जानने वाला व्यक्ति है वही यह समझता है कि सारा संसार प्राकृतिक गुणों सत्व रजस और तमस के आधार पर चलता है। इन गुणों पर ही प्रत्येक व्यक्ति का कर्म निर्धारित होता है, अर्थात वह व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसमें बंधा महसूस नहीं करता। वह अपने आप को कर्म से अलग मानता और यह समझता है यह सब प्रकृति के गुणों का खेल है जिससे आत्मा प्रभावित नहीं होती। वह अपना कर्म निष्काम भाव से करता है। प्रकृतेर गुणा समुदा सजनते गुणा कर्मस्थान अकर्षणा विदो मतदान कर्तसना बिना विचार लिए थे। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि लोग प्राकृतिक गुणों से भ्रमित हो जाते हैं और उनके प्रभाव में आकर कर्म करते हुए गुणों का प्रभाव में होते हैं और कर्मों से बंधे रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्य को जानता और समझता है कि आत्मा इन गुणों से परे है उसे चाहिए कि वह इन अज्ञानी लोगों को जो गुणों से प्रभावित हैं विचलित न करे या उन्हें भटका कर न रखे। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को उन लोगों की स्थिति को समझना चाहिए और उनकी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यास यादेताम चेतस निराशिर निर्मामो भूत्वा युद्धस्व विगत जवरः। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन सभी क्रियाओं को भगवान के प्रति समर्पित करके आत्मा पर ध्यान केंद्रित आशा और अहंकार से मुक्त होकर युद्ध करो और मानसिक तनाव से मुक्त रहो। अर्थात कर्म करते समय भगवान के प्रति समर्पण और आध्यात्मिकता ध्यान बनाए रखें, साथ ही कर्मों के परिणामों की चिंता किए बिना किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ या अहंकार से आजाद होकर कार्य करें। यही दृष्टिकोण मानसिक शांति और प्रभावीकरण की ओर ले जाता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।